नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं बायोलॉजी बूस्टर चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है जनरल बायोलॉजी वीडियो है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कुछ चीजें याद करने में, जैसे डिजीज के नेम है, विटामिन वगैरह, उनको याद करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ट्रिक्स और इन ट्रिक्स को अपनाकर आप इन चीजों को जल्दी याद कर सकते हैं जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। ठीक है, तो मैं ट्रिक्स बताऊंगा कुछ डिजीज के नेम की और इसके अलावा विटामिंस और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ प्रोटोजोअल डिजीज आपको कैसे याद रखनी है। ठीक है, तो प्रोटोजोअल डिजीज की मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा और वायरल डिजीज की भी दो ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, ब्रेन से होने वाली बीमारियां, विटामिन्स, इनकी अलग अलग ट्रिक्स बताते चलूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोअल डिजीज प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। इसको याद करने का तरीका है दोस्तों, देखिए इसका जो ट्रिक है मैं यहां पे लिखता हूं। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, इसका ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, ये इसका ट्रिक है। ठीक है, देखो पापा काम पे सोते हैं, ये इसका क्या है ट्रिक है। पापा से यहां मैंने लिखा है ट्रिक और यहां मैंने क्या लिखा है दोस्तों, डिजीज, यहां डिजीज का नाम है। तो पापा काम पे सोते हैं से आप प्रोटोजोअल डिजीज को याद रख सकते हैं। पापा मतलब पायरिया, पायरिया एक गम्स की बीमारी जिसमें ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है मसूड़ों से। का से है कालाजार, ये सैंड फ्लाई से होने वाली एक बीमारी है, सैंड फ्लाई मच्छर के मक्खी सिक्के काटने से ये बीमारी होती है। म से मलेरिया, पे से पैचिस, पैचिस यानी कि दस्त। ठीक है, सोते हैं सोने की बीमारी है, इसको सोने की बीमारी, सोते हैं एक डिजीज होती है, सोमनेम्बोलिज्म शायद इसको कहते हैं इंग्लिश में, बाकी और आप देख लेना। तो सोने की जो बीमारी होती है वो होती है सोते हैं से। तो ये कुछ ट्रिक्स बताई मैंने आपको प्रोटोजोअल डिजीज। ठीक है, तो चलिए अब प्रोटोजोअल डिजीज ही की ही दूसरी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। अगर ये ट्रिक आपको पसंद नहीं है तो आप उस दूसरी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो दोस्तों प्रोटोजोअल डिजीज की जो सेकंड ट्रिक है वो क्या है, देखो ट्रिक क्या है यहां पे, यहां पे मैंने लिखी ट्रिक और यहां पे लिखी है डिजीज। ट्रिक पे काम सौंप, ये इस तरीके से अलग है। ठीक है, तो पे काम सौंप इसकी क्या ट्रिक है, काम एक साथ है पढ़ने के हिसाब से एक साथ है। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक है पे काम सौंप। जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि उस पे हमने काम सौंप दिया, तो पे काम सौंप ये ट्रिक है किसका, प्रोटोजोअल डिजीज का। पे से पैचिस यानी कि दस्त, का से कालाजार, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, प से पायरिया। तो ये भी एक ट्रिक हो सकती है। दोनों ट्रिक में से पापा काम पे सोते हैं और पे काम सौंप में से जो आपको अच्छा लगे वो ट्रिक्स आप अपना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वो डिजीज है जो आपके जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में घूम फिर के ये पूछता रहता है। ठीक है, तो इनको इस तरीके से ट्रिक से आप याद कर लेते हैं तो काफी आपको फायदा हो सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं वायरल डिजीज के कुछ ट्रिक, विषाणु जनित रोग जो होते हैं उनके ट्रिक्स क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम वायरल डिजीज की जो सेकंड ट्रिक है वो देखते हैं। देखिए ट्रिक मैं यहां पे लिख देता हूं, ट्रिक क्या है, ट्रिक है दोस्तों रोज आप सीएम से मिलें, रोज आप सीएम से मिलें, ये इसकी क्या है ट्रिक है इसको याद करने का। ठीक है, देखिए ट्रिक कैसे है, इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया, रोज आप सीएम से मिलें, रोज आप सीएम से मिलें। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में इस तरीके से लिखा। अब देखिए आर से रेबीज, ए से एड्स, पी से पोलियो, सी से चिकन पॉक्स, एम से मम्स और से मिले यानी कि एसी और एम साइलेंट है, इसको पूरा सेंटेंस बनाने के लिए इस तरीके से यूज किया गया है। ठीक है, तो देखिए आर रेबीज, रेबीज होता है रबडो वायरस से जो कि एक वायरल डिजीज है, एड्स होता है एचआईवी वायरस से,
पोलियो पोलियो वायरस से होता है, ठीक है, और सी चिकन पॉक्स वायरस से होता है। मम्स एक बीमारी है जिसमें क्या होता है आपके जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं कान के पास, इसमें स्वेलिंग आती है, तो ऐसे यहाँ पे होट और सॉरी ये जो गाल वाला पार्ट है ऐसे इसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो ये कुछ वायरल डिजीज बताई और उसके ट्रिक्स मैंने बताई। अब वायरल डिजीज की दूसरी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, देखिए। तो दोस्तों ये ट्रिक है वायरल डिजीज की, और ट्रिक क्या है इसमें देखिए, इसका ट्रिक है ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। आप किसी को कह रहे हैं, कोई चाचा है मान लीजिए, उसे कह रहे हैं कि ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, ठीक है, ये इसका ट्रिक है। थोड़ा अजीब सा है लेकिन ऐसा ही है। और देखो कैसे है ये, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो, ए से एड्स, चाचा से चेचक हर्पिस, ई से इन्फ्लुएंजा, ह से हर्पिस, डा से डेंगू ज्वर यानी कि डेंगू फीवर, और टो से ट्रैकोमा एक स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है, ख से खसरा, रे से रेबीज, गाल से गलसुआ, पे से पीलिया, छा से छोटी माता, पो से पोलियो, ठीक है, ये इस तरीके से ट्रिक है। एड्स आपको पता ही, एड्स क्या होता है, ठीक है, एचआईवी के इन्फेक्शन से होने वाली एक डिजीज है, वायरल डिजीज है। चेचक एक बीमारी है जो स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं इसे। इन्फ्लुएंजा सर्दी खांसी इस तरीके के कोल्ड से रिलेटेड एक डिजीज है, नोज वगैरह बंद हो जाती है इसमें, ठीक है, लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है। हर्पिस भी एक डिजीज है, ये हर्पिस वायरस से होती है। डा डेंगू ज्वर, बताइए डेंगू क्या होता है, डेंगू में क्या होता है आपको बताइए, इन्फेक्शन होता है किसका, फ्लैवी वायरस का, और कौन करता है इन्फेक्शन, एडीज इजिप्टी नाम की एक मॉस्किटो जिसके काटने से डेंगू होता है। टो से ट्रैकोमा स्किन डिसऑर्डर बताया मैंने पहले भी। खसरा एक बीमारी होती है, ठीक है, रेबीज, रेबीज की जो बीमारी है वो डॉग के काटने से होती है, ये वायरल डिजीज है। गा गलसुआ, गाल ऐसे टॉन्सिल्स भी कहते हैं, गाल ऐसे फूल जाता है इसमें ये वाला पार्ट, ठीक है। पीलिया, पे से पीलिया है, पीलिया कहीं ना कहीं लीवर इफेक्ट होता है इसमें, हेपेटाइटिस ए भी कहते हैं इसे। छा से छोटी माता, स्मॉल पॉक्स कह सकते हैं, स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है ये। ल से पो से पोलियो, पोलियो पोलियो वायरस से होता है, और ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें अपंगता आ जाती है किसी भी इंडिविजुअल में, ठीक है। तो ये कुछ वायरल डिजीज के ट्रिक बताया। अब मैं आपको फर्दर जो डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज और दूसरी डिजीज उनके ट्रिक्स बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं फंगल डिजीज के कुछ ट्रिक्स। फंगल डिजीज क्या होती है दोस्तों, जो कवक से होती है, कवक मतलब फंगस, फंगस से होने वाली डिजीज जो होती है फंगल डिजीज। अच्छा फंगस अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, कुछ फंगस अच्छे भी होते हैं जैसे मशरूम वगैरह जिन्हें हम खाते हैं, कुछ फंगस बुरे हैं जिनसे हमें बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पे बुरे फंगस देख रहे हैं यानी कि जिनसे हमें डिजीज होती है, ज्यादातर फंगस से स्किन डिसऑर्डर या स्किन से संबंधित रोग होते हैं, ठीक है। खैर इसके ट्रिक्स देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है रोग, और यहां मैंने लिखा है सॉरी यहां पे मैंने लिखा है ट्रिक, और यहां पे मैंने लिखा है रोग, ठीक है। इस पूरी ट्रिक को अगर मैं यहां पे लिख दूं तो मैं कैसे लिखूंगा इसे देखिए। ट्रिक क्या है दोस्तों इसको याद करने की, गंजा दामाद खाए फ्रूट, फ्रूट, ठीक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये इसका ट्रिक है इसको याद करने का। कैसे देखिए, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये ट्रिक्स हैं और ये डिजीज है। गंजा मतलब गंजापन बाल्डनेस, दामाद दया, दया यानी कि ये डिजीज है किससे रिलेटेड, दया नहीं है दमा है, सॉरी मैंने गलती से इसे दया लिख दिया, ये दमा है, दमा दामा तो दमा यहां पे हो गया, ठीक है। द से दाद, दाद जो डिजीज होती है वो रिंग वॉर्म भी जिसे कहते हैं इंग्लिश में। खाए खाज, खाज यानी कि इसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में अगर आप बोलें तो रिंग वॉर्म हो गया, स्कैबीज कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है, खाज को स्कैबीज, खाए खाज, ठीक है। फ्रूट एथलीट फ्रूट, ये अगर मात्रा हटाते हैं फुट हो गया,
फूट यानी कि एथलीट फूट यानी खिलाड़ी पांव एक बीमारी है। तो यहां पे मैंने ट्रिक लिखी, ये डिजीज लिखी, देखो गंजापन बाल्डनेस होता है, किससे बाल्डनेस होता है, बाल्डनेस बीमारी होती है टीनिया कैपेटिस से, एग्जैक्टली टीनिया कैपेटिस नाम का एक फंगस होता है, इससे बीमारी होती है। दमा जो है, दमा रोग होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नाम के फंगस से। दाद रिंगवॉर्म होता है ट्राइकोफाइटोन लुम्ब्रिकोडियाई के इन्फेक्शन से, जो कि एक फंगस है। खाज होता है एकेरस स्कैबीज से, और एथलीट फूट होता है टीनिया पेडिस से, और टीनिया कैपेटिस से क्या हो रहा था, गंजापन। ठीक है, तो ये कुछ फंगल डिजीज है, इनको याद करने का ट्रिक है, घूम फिर के ये पूछता है तो इनको आप अच्छे से एटलीस्ट याद रखें। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको बैक्टीरियल डिजीज के ट्रिक्स बताता हूं। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं कुछ बैक्टीरियल डिजीज के ट्रिक्स। तो देखिए, ये हैं कुछ ट्रिक्स और ये हैं डिजीज। दोस्तों बैक्टीरियल डिजीज के ट्रिक्स क्या है, पंडित का टीका न्यू है, कोई पंडित है उसे आप कह रहे हैं कि पंडित का टीका जो है वो न्यू है, नया टीका लगाया उसने आज। ठीक है, तो पंडित का टीका न्यू है, यही इसका ट्रिक है, किसका, बैक्टीरियल डिजीज का। देखो पंडित का टीका न्यू है, ठीक है, प से प्लेग, डी से डिप्थेरिया, त से त यानी कि ट, ठीक है, टाइफॉइड, का से काली खांसी, टी से टिटनस, का से कुष्ठ रोग, कुष्ठ मतलब कुष्ठ रोग ही है वो, न्यू मतलब निमोनिया, और है से है हैजा। ठीक है, ये डिजीज है, काफी सारे डिजीज बता दी मैंने बैक्टीरियल डिजीज में, और इनके ट्रिक्स हैं, इनका इसका जो ट्रिक है वो है पंडित का टीका न्यू है। चलिए, प्लेग होता है चूहे से और एक बैक्टीरियल डिजीज है। डिप्थेरिया में क्या होता है, डिप्थेरिया में गले और नोज में मतलब दिक्कत होती है, ठीक है, सर्दी खांसी उससे संबंधित बीमारी है, बैक्टीरिया से होता है। टाइफॉइड फेफड़ों की बीमारी है, खांसी के साथ ब्लड आता है इसमें। काली खांसी को वूपिंग कफ भी कहते हैं, छोटे बच्चों को ज्यादा होता है। टिटनस, टिटनस में लॉक जो जॉ जो होते हैं आपके, जो जबड़ा होता है वो जम जाता है इसे। कुष्ठ रोग स्किन डिसऑर्डर है, ये होता है बैक्टीरिया से। निमोनिया, निमोनिया पता ही है आपको, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है, छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, इसमें आपके फेफड़े वगैरह जो रहता है उनमें पस भर जाता है, लिक्विड भर जाता है एल्वेलाई में जाके और डब्ल्यूबीसी के साथ, तो जब उसमें एल्वेलाई में लिक्विड भर जाएगा तो सांस लेने में इन बच्चों को क्या होती है, दिक्कत होती है। तो सर्दी लगना और ऐसे सांस फूलना इन बच्चों के कॉमन सिम्टम होते हैं निमोनिया के केस में। चलिए, आखिरी जो बीमारी है हेजा, ये होती है वैसे पानी इसका एक वेक्टर है, होता बैक्टीरिया से है, विब्रो कॉलरी नाम का एक इन्फेक्शन है, एक बैक्टीरिया है जिसके इन्फेक्शन से बीमारी होती है। तो ये ट्रिक्स थे बैक्टीरियल डिजीज, अब मैं आपको अगली डिजीज के ट्रिक्स बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कुछ ऐसी डिजीज जो ब्रेन रिलेटेड हैं, या वो डिजीज जो ब्रेन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोग यानी कि ट्रिक, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रिक, ये डिजीज किससे होती है, और यहां पे मैं लिखता हूं रोग का नाम। तो ये कुछ डिजीज लिखी है मैंने और इधर ट्रिक लिखा। तो ट्रिक क्या है दोस्तों इसका, मिट्टी को रोपो, किसी को आप कह रहे हैं कि रोपना मिट्टी को, मतलब रोपते हैं ना मिट्टी को, कोई प्लांट वगैरह उसमें आपने लगाया, इस तरीके की जो प्रक्रिया की जाती है उसको रोपना कहते हैं। और अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि मिट्टी को रोपो, तो ये इसका ट्रिक है, मिट्टी को रोपो। ठीक है, देखो मी से मिर्गी, टी से टिटनेस, को से कोड, रो से रेबीज, और पो से पोलियो। ठीक है, देखो मिट्टी से मिर्गी, मी से मिर्गी बना, मिर्गी क्या ब्रेन डिसऑर्डर जिसमें दौरे वगैरह पड़ते हैं, ये सारी दिक्कतें इसमें होती हैं। टी टेटनस पता ही आपको, लॉक जॉ यानी कि जो जॉ होते हैं वो आपके ऐसे जम जाते हैं, मतलब हिल नहीं पाते, मूव नहीं कर पाते। ठीक है, को कोड होता है एक बीमारी, ऐसे बेंट हो जाते हैं, कोड की समस्या देखे होंगे आपने, कोड जो लोग रहते हैं वैसे मुड़े हुए रहते हैं। रो से रेबीज, रेबीज किससे होता है पता है आपको, डॉग के काटने से, और डॉग जो इन्फेक्शन फैलाता है वो रबडो वायरस होता है। पो से पोलियो, पोलियो वायरस से होता है ये, और इसमें अपंगता आ जाती है इंसान में। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे मैंने आपको ब्रेन डिजीज बताई, अब डिजीज के कई ट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूं अलग अलग टाइप से, अब मैं आपको कुछ विटामिन के ट्रिक्स बताता हूं। ठीक है, तो अब हम विटामिन से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं दोस्तों। अब विटामिन दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल मतलब वो विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं, फैट में घुलने वाले विटामिन जो होते हैं वो होते हैं चार, ए डी ई के। ठीक है, विटामिन के,
सॉरी एनी विटामिन के ई डी ए या ए डी ई के भी आप कह सकते हैं। इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, कीड़ा जो होता है मतलब इंसेक्ट जो होता है उससे आप याद कर सकते हैं कीड़ा, ठीक है। तो के ई डी ए, ये चार ऐसे विटामिन है जो फैट में घुल जाते हैं। सिंपल सा ट्रिक है, दो मिनट में आपको पता पड़ जाएगा और याद भी रहेगा कि कीड़ा कौन से विटामिन है फैट सोलबल। अब कीड़ा फैट सोलबल है तो बचे हुए कौन से, वाटर सोलबल बचते कौन से, विटामिन सी बचता है और विटामिन बी बचता है। विटामिन बी में फिर बहुत सारे हैं, विटामिन बी में आठ हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ठीक है। तो ये फैट सोलबल विटामिन को याद करने का एक ट्रिक है। अच्छा, विटामिन के जो केमिकल नेम होते हैं स्टूडेंट्स वगैरह कहते हैं बहुत टिपिकल है याद करना, तो कैसे याद करें, देखिए विटामिन मैंने लिखे हैं यहाँ पे मैंने विटामिन के नाम लिखे हैं, विटामिन ए बी सी डी ई के, ठीक है। अब बी के टाइप्स हैं उसका मैंने ट्रिक नहीं बनाया, अगर आप चाहते हैं कि उसका भी मैं ट्रिक बनाऊं या कुछ ऐसा बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, टाइम मिलेगा मैं इस तरीके से ज़रूर उसको बना के एक वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए खैर इसको समझते हैं पहले, विटामिन ए बी सी डी ई के ये विटामिन हैं, इनके नाम लिखे हैं मैंने, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोकोनिन, जो इनके नाम है वही मैंने बता दिया यहाँ पे। अब देखो इससे पहला वर्ड लिया मैंने र, इससे लिया थ, इससे लिया ए, इससे लिया क, इससे लिया टा और इससे लिया फी, ठीक है। तो ये क्या बना, रथ एक टॉफी। तो इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, रथ एक टॉफी। रथ वैसे तो कोई मतलब नहीं निकलता है सेंटेंस का, लेकिन रथ जो होता है जिसपे लड़ाई वगड़ाई करते थे महाराजा वगैरह लोग, ठीक है। तो रथ एक टॉफी, टॉफी मतलब कैंडी जो होती है खाने वाली, ठीक है। तो रथ एक टॉफी, इससे आप याद कर सकते हैं किसको, विटामिन के केमिकल नेम को। दोस्तों बहुत कोशिश की थी थोड़ा मतलब कुछ मीनिंगफुल बनाने का लेकिन बन नहीं पाया, तो रथ एक टॉफी से इसको याद कर लें, बाकी और इंटरेस्टिंग कुछ ऐसा ट्रिक्स वगैरह में बनाने की कोशिश करता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में बताया कुछ विटामिन के ट्रिक और कुछ डिजीज के ट्रिक, तो इनको आप याद करें, इनसे आप समझें, आपको आसानी होगी। और अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा ही दूसरा चैनल है कॉमेडी चैनल, ठीक है। तो उसको सब्सक्राइब करें आप, और उसको सब्सक्राइब करना ही है आपको, ठीक है। ये आपके चॉइस पे नहीं है कि आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करेंगे, तो उसको आप सब्सक्राइब कर दें और उसमें वो बेल आइकन भी आप दबा दें, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।